जय भोलेनाथ। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से व्रतों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक है प्रदोष व्रत। ये व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 3 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा, जिसे बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस बार प्रदोष व्रत के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं, जिसके चलते इस दिन के उपाय भी जल्द ही असर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, शुभ योग और कुछ अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, जिसको करने से जीवन धन धान्य हो जाएगा। तो चलिए देर कैसी शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 मई को रात 11:17 पर होगा और अगले दिन 3 मई को रात 11:49 पर इसका समापन होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 3 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन बुद्ध प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त रात 6:57 से 9:06 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक समय प्रदोष काल कहा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दिन दो तरह के शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें से एक योग सर्वार्थ सिद्धि और दूसरा रवि योग होगा। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों योग में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने पर सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्ति सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि 2 गाय के दान के बराबर का पुण्य एक प्रदोष व्रत करने से मिलता है। तो अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध प्रदोष व्रत के दिन संध्या के समय मूंग की दाल का दान करें। ऐसा करने से आपके काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और तरक्की की राह खुलेंगे। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का दूध, दही, घी और गन्ने के रस से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और दुख दर्द दूर होंगे। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए प्रदोष व्रत के दिन संध्या के समय पति पत्नी दोनों 27 गुलाब के इत्र 27 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का 27 बार जाप करके भोलेनाथ को अर्पण करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। कुंडली टीवी डिस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।